गुजरात के स्कूल खुलने पर तुलबा तालिबात खुश या मायूस, कभी ऑनलाइन एजुकेशन और कभी फिजिकल पढ़ाई। गुजरात के तुलबा ने हुकूमत और वजारत तालीम से सालाना इम्तिहानात बारे क्या मुतालिबा कर दिया, देखिए आवास न्यूज पर आकाश न्यासी की इस रिपोर्ट में। मैं हूं आकाश न्यासी। जिला गुजरात में आज दोबारा स्कूल खुल चुके हैं और स्कूल खुलने के बाद जो है यहाँ पर मुख्य स्कूल्स में खांसी का तनासब भी कम रहा है। तो स्टूडेंट्स को छुट्टी हो चुकी है और स्टूडेंट्स यहाँ से वापस जाने की तैयारियों में मसरूफ़ भी हैं। 11 बजे जो है छोटी क्लासेस को यहाँ पर फारिग किया गया है। 9वीं और 10वीं क्लास जो है उसको 12 बजे छुट्टी दी जा रही है और यहाँ से तलबा तालबात आप देख सकते हैं कि यहाँ से वापस जाना शुरू हो चुके हैं। गाड़ियों वाले भी यहाँ पर तलबा तालबात को लेने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मुख्तलिफ स्कूल्स में आज हाजी का तनासब भी कम रहा। तलबा तालबात को छुट्टी के वक्त जो है अब अपने स्कूल से अपने घरों को जाना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त तालब इलम हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनका पहला दिन कैसा रहा। जी भाई आप बताएं, आज पहला रोज़ कैसा रहा है आपका? पहला रोज बड़ा अच्छा रहा है। अच्छा, कोरोना 120 पर अमल दरामद करवाया गया, ठीक है। तो हाजिरी कैसी रही है, तनासब क्या था हाजिरी का? पूरे नहीं बच्चे आ रहे, नहीं आ रहे। अच्छा, आप लोगों को कभी ये ऑनलाइन एजुकेशन में ले जाते हैं, कभी फिजिकल एजुकेशन में, तो आप क्या समझते हैं इम्तहानात का भी शेड्यूल है इसके बाद ईद के बाद, तो क्या आप लोगों की तैयारी है या आप समझते हैं कि इम्तहानात नहीं होने चाहिए जिस तरह पिछले साल मुकम्मल तौर पर पास कर दिया गया था? नहीं होनी चाहिए तैयारी, नहीं ऐसे ही नहीं है तैयारी, खुल जाते हैं कभी बंद हो जाते हैं। हाँ ठीक है, तो अब आप आज पहला दिन था तो आज आपके स्कूल में क्या था तनासब हाजिरी का? ज़्यादा बच्चे छुट्टी पा रही हैं, पेपर हो रही हैं ना, इसलिए तो बच्चे छुट्टी में आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, नाज़रीन बिला शुबा जिस तरह इन तलबात का कहना है कि हाजिरी तो पहले दिन ना होने के बराबर ही थी, मगर एक इन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि स्कूल्स कॉलेजेस में कभी पढ़ाई ऑनलाइन कर दी जाती है और कभी जो है फिज़िकल, और इस तरह के शेड्यूल्स भी तय हो चुके हैं। इम्तहानात का शेड्यूल सामने आने के बाद तलबा तालबात परेशान है, उनकी तैयारी भी नहीं है। इनका मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत पंजाब और वज़ीर तालीम जो हैं इस पॉलिसी पर फौरी तौर पर नज़रसानी करें और गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी जो तलबा तालबात हैं उन्हें बग़ैर इम्तहान के ही पास कर दिया जाए। आवाज़ न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याजी। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।